वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक नया प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि एंटर्ड नंबर इवन है कि वो ऑड है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं इवेंट्स में जाता हूँ। इवेंट में आपको पता है कि जब भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो वेन क्लिक्ड, ताकि ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं वेरिएबल एक लूँगा, तो मैं एक मेक वे वेरिएबल पे जाऊँगा और यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी नेम ले सकता हूँ, सपोज n1 ले लेता हूँ। और यहाँ पर सेट ये कमांड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे 0 सेट करना है मुझे अपने n1 वेरिएबल में। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब इसके बाद मुझे सेंसिंग में जाना है, जिसमें मैं यूज़र से पूछूंगा, यूज़र मतलब जो भी मोबाइल पे यूज़ कर रहा है प्रोग्राम को या कंप्यूटर पे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है। तो मैं यहाँ पर पूछता हूँ आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट। इसकी जगह चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा एंटर योर नंबर टू फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड। ओके, तो ये चीज मैं पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे फिर सेट करना है, क्या सेट करना है, मैं वेरिएबल्स में जाता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, ये मुझे ब्लॉक लगाना पड़ेगा सेट माई वेरिएबल। क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ जो यूज़र दे रहा है मुझे इस वो वाली वैल्यू इसके अंदर देनी है। तो वो कैसे आएगी? हमारे सेंसिंग के अंदर आपको पता है आंसर होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो उस आंसर के अंदर चला जाएगा। तो आंसर से मुझे वो नंबर अपने वेरिएबल के अंदर डालना है, क्योंकि वेरिएबल ही स्टोर रखता है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, डाल दिया। अब मुझे किसी तरह पूछना है कि जो एंटर्ड नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अब कैसे पता चले? मैथमेटिकली अगर हम वो करना चाहें तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है जो मैथ के अंदर होता है। तो सपोज मान के चलो यूज़र ने 5 एंटर किया, तो उसको हम क्या करते हैं, हम 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 2 to the 4 डिवाइड करेंगे लास्ट तक, तो 2 to the 4, उसके बाद तो हो नहीं सकता बिकॉज 2 to the 6, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 इज रिमाइंडर। तो जब जिस केस में रिमाइंडर 1 आए तो यानी कि वो नंबर ऑड है। लेकिन अदर केस में सपोज 10 है, सपोज यूजर ने 10 एंटर किया, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। और अब 2 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो 2 to the 4, 2 to the 3, 6, 2 to the 4, 2 to the 5, 10। अब 2 to the 5, 10 मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आया, 0। जब 0 रिमाइंडर आ गया तो मतलब ये हमारा नंबर एंटर्ड नंबर क्या है, इवन है। ओके, तो एंटर्ड नंबर हमारा इवन है। तो यही तरीका हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, हमने पूछना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ एक ऑपरेटर होता है मॉड, लेकिन उससे पहले हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन के लिए हम कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पर ये कंडीशन है इफ़ और एल्स की। तो यहाँ पर हम ये ले आते हैं, अभी मैं लगाता नहीं हूँ इसको, सिंपल लगाता यहाँ। ओके, यहाँ लगा दिया। उसके बाद मुझे ऑपरेटर्स में आना, जो मैंने अभी आपको बोला था। एक तो मुझे मॉड चाहिए, तो मॉड यहाँ पर देख लेता हूँ। एक तो ये मॉड मिल गया मुझे, ये चाहिए। अभी मुझे जो जो चाहिए मैं ढूंढ लेता हूँ। और एक इज इक्वल टू चाहिए। ओके, अब इज इक्वल टू क्यों चाहिए मैं वो बताता हूँ पहले आपको। मुझे ये पूछना है कि जो मेरा एंटर्ड नंबर है यानी कि n1 वेरिएबल, वो डिवाइड 2 से हो और उसका आंसर अगर 0 आए तो मुझे यहाँ पर अपना n1 वेरिएबल, अब n1 वेरिएबल मुझे कहाँ से मिलेगा, ये वेरिएबल्स के अंदर से। तो मैं वेरिएबल्स में जाऊँगा, n1 को ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पर ले आऊँगा। बताता हूँ मैं अभी आपको, सब समझ में आ जाएगा। अब ये n1
ये एन वन ये यहाँ आ गया, अब मुझे यहाँ लगाना है मॉड में, ये जो मॉड है ये, और यहाँ लगाना है, यहाँ लिखना है टू जो मैं वहाँ डिवाइड कर रहा था, एन वन मॉड, वो जो डिवाइड करके रिमाइंडर आता है वो काम ये कर रहा है, ये ऑपरेटर कर रहा है मॉड वाला, तो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। ये लग गया, ये बार तंग करता है, नहीं लगता, तो ये लग चुका है n, अब ये क्या बन गया n1 mod 2, मतलब डिवाइडेड बाय 2 उसका रिमाइंडर अगर 0 हो तो, इसको मुझे कहाँ ट्रैक करने, यहाँ ये कंडीशन लग गई मेरी, अगर इफ n1 वेरिएबल में जो भी मैंने नंबर एंटर किया है वो 2 से डिवाइड होकर उसका अगर रिजल्ट 0 आए तो मुझे क्या प्रिंट करना है, सिंपल मैं लुक्स में जाता हूँ, से की कमांड लगाता हूँ और यहां लगा देता हूं एंटर्ड नंबर इज इवन, जीरो आए तो, और नहीं तो मुझे क्या लगाना है, से एंटर्ड नंबर इज ऑड, ये मैंने गलत लगा दिया, मुझे ये नहीं लगाना था, मुझे सिंपल लगाना था से Entered number is odd, okay? एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसको लगा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ पूरा प्रोग्राम। When clicked, हमने n1 वेरिएबल में 0 दिया और उसके बाद पूछा हमने enter your number to find whether it is even or odd, और वेट कर रहे हैं, वेट करके जो आंसर होगा हमारे आंसर के अंदर आएगा, सेंस करेगा वो, और आंसर से वो हमारा नंबर n1 वेरिएबल में चला जाएगा। अब यहाँ कंडीशन लग रही है इफ n1 जो वेरिएबल है वो मॉड डिवाइड करके 2 से अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो हमने ये लिखना है कि एंटर नंबर इज इवन और नहीं तो एल्स एंटर नंबर इज ऑड। तो मुझे ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है, एक बार हम चला के देख लेते हैं। अब यहां पर हम नंबर चलाते हैं तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये रन किया, एंटर योर नंबर टू फाइंड whether it is even or odd, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ सपोज 5 के बाद मैं एंटर करता हूँ, क्या आ गया, एंटर नंबर इज odd। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ मैं 100 और एंटर करता हूँ एंटर नंबर इज इवन, तो मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मज़ा आएगा इस प्रोग्राम को करने में और मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब अपने मैं इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ, टिल देन बाय।